हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम रात की प्रार्थना के साथ हाजिर हुए हैं। परमेश्वर महान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, जो महान है, जिसकी कृपा सदा के अनंत काल के। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती साथ, दुख साथ, दर्द था। मेरे प्रियजनों, यदि आप किसी बंधन में है, संकट में, संकेति में है, डरे हुए हैं या घबराए हुए हैं, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, यदि आप यीशु मसीह के पास आए हुए हो, परमेश्वर के पास आए हुए हो, तो यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, आपको पवित्र आत्मा आशीष देगा। मेरे प्रियजनों, आपके बंधन टूटेंगे, अभिषेक से बंधन टूटेंगे, बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा आपके बंधनों में। वो जीवित है, उसकी करुणा सदा की। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मैं तुझसे आग की पुतली की तरह प्रेम करता हूँ, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियजनों, यदि आपको किसी कामों में सफलता नहीं मिल रही है, यदि आप परेशान हो चुके हो, काम करते करते हालातों से टूट चुके हो, जूझ रहे हो, तो यदि आप सही मार्ग पर सही दिशा पे आए हो, आप सही दिशा पे आए हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके काम बनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिन कामों में आप हाथ लगाओगे, वे काम फलवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, वे काम फलवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने कहा है, कोई तूफान, कोई आंधी, कोई आग तुम्हें जला ना सकेगी, कोई आग तुम्हें झुलसा ना सकेगी, कोई पहाड़, कोई तूफान उड़ा ना सकेगा, कोई आंधी तुम्हें उड़ा नहीं सकती, कोई तूफान तुम्हें उड़ा नहीं सकता है, क्योंकि तुम मेरे हो। मेरे, यीशु ने कहा, तुम मेरे हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो। मेरे प्रियजनों, जो भी हम सभी से दिन भर में गुनाह हुए, पाप हुए, बचपन से अब तक लगातार पाप हुए, अपराध हुए, तो आज अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, तोबा करो, परमेश्वर से मानो यीशु मसीह के सामने, और छोड़ो उन गुनाहों को, मानो यीशु मसीह के सामने। मेरे प्रियजनों, यदि अपने अपराधों को मानोगे पिता के सामने, तो निश्चय हमारा परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। जो पहले कभी नहीं हुआ है, आप राइट प्लेस पे आए हुए हो, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके कामों को खोलेगा। जो आपके घरों में शराब के बंधन है, जादू विद्या तंत्र मंत्र के बंधन है, जादू टोना के बंधन है, हर एक करतरा के बंधन है, किसी भी प्रकार के बंधन क्यों ना हो, आप यीशु नासरी के पास आए हो, पिता परमेश्वर के पास आए हो, पिता परमेश्वर आपको आशीष देंगे, पिता परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मेरे परमेश्वर आशीष देगा, ज्ञान बुद्धि देगा, बंद मार्ग खोलेगा, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े अचंभे काम करता है हमारा परमेश्वर। जो आप अपने आंखों से देखते आए हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता आज भी करता है। यदि आपको जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, जॉब की तलाश में तरस रहे हो, भाग रहे इधर उधर, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई शादी का रिश्ता नहीं आ रहा है, कितने सालों से क्यों ना शादी का रिश्ता आता हो, यदि आप इस प्राणों को सुन रहे हो और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करो, मेरे प्रियजनों, आप सच्चे परमेश्वर के पास आए हो, वो जिंदा परमेश्वर के पास आए हो। जैसा मैं बोलूंगा वैसा परमेश्वर आपके जीवनों में कर देगा 100%। यदि आपका शादी का रिश्ता नहीं आ रहा है, इस प्रार्थना को सुन लेना और आपका शादी का रिश्ता 100% आएगा। और जो आप इधर ताका मुक्की में लगे हो, आपका ताका मुक्की बंद करेगा परमेश्वर, और आपको अपराधों से, पापों से छुड़ाएगा मेरा परमेश्वर। आपको यीशु मसीह के नाम में बोलना है, धन्य वे हैं जितने यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, वे धन्य हैं, वे धन्य हैं। भजन संहिता 51 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर। मेरे प्रियजन, परमेश्वर का वचन कहता है, आपके जीवन में कुछ पाप है, गुप्त रीति से पाप है, तो आज आपको इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कीजिए, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, मेरे अपराधों को ढापिए। परमेश्वर आप या परमेश्वर की आत्मा आपके गुनाहों को, आपके पापों को क्षमा करेगी, आपके बंधनों को जलाएगा मेरा परमेश्वर। आप राइट प्लेस पे आए हुए हो, आप जिंदा परमेश्वर के पास आए हो, आप यीशु नासरी के पास आए हुए हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको पापों से छुड़ाएगा, आपके अपराधों को ढापेगा मेरे परमेश्वर। मेरे प्रश्न एक वचन में आपसे पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता में लिखा हुआ है 56 अध्याय के 4-5 वचन में, परमेश्वर की सहायता से
मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरे ही बुराई करने की होती हैं। कोई आंधी, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें मार नहीं सकती। कोई शैतान तुम्हें डरा नहीं सकता। कोई बीमारी तुम्हें मार नहीं सकती। कोई शैतान तुम्हें गिरा नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा है, तुम मेरे हो। यदि आप विश्वास करते हो परमेश्वर पे, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। पिता परमेश्वर पे विश्वास करना है। पिता परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर मेरा छुड़ाएगा। मेरा परमेश्वर आपको अपराधों से छुड़ाएगा। मेरा परमेश्वर आपको गुनाहों से माफ करेगा। मेरा परमेश्वर आपको बीमारियों से आजाद करेगा। मेरा परमेश्वर आपके आंसू को पोछेगा। मेरा परमेश्वर आपको जॉब देगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। जो जादू टोना के बंधन है, जो बीमारी के बंधन है, जो शराब के बंधन है, यीशु के नाम में वे बंधन आज जल जाएंगे। ओरी बाबा बाबा हंदरा बराबा स्वर्गीय रबा रबा। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा, आपको छुड़ाएगा, आप के कामों को खोलेगा। मेरा परमेश्वर, जिन कामों में आप हाथ लगाओगे, वो 100% यीशु नासरी के नाम में वे काम फलवंत हो जाएंगे। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है और लास्ट में आपको बोल के आमीन रिसीव करना है। तो चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा है। आप प्रभु के प्रभु, आप सेनाओं के यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक है। मेरे पिता, जो आपने हम सभी को मेरे परमेश्वर जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे पिता, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे राजाओं के राजा, मेरे पिता, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे पिता जो दिन नहीं देखने को पाए होंगे, रात नहीं देखने को पाएंगे पिता। वे रात में ही मर गए होंगे, सुबह ही मर गए होंगे, दोपहर में मर गए होंगे पिता। वे बहुत दूर चले गए होंगे मेरे परमेश्वर। जो आपने यीशु राजा हमें जीवित रखा है, हम मसीह भाई बहनों को संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। मेरे राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर। जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे मेरे राजाओं के राजा, और आमीन बोल रहे मेरे पापा और रसीब कर रहे आमीन बोल के इस प्रार्थना को। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इनकी बीमारियां जाएं, जो गिल्टियां हैं, जो रसोलियां हैं, पथरिया हैं, ट्यूमर है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, यीशु नासरी के नाम में वो ब्लड कैंसर जल जाए, भस्म हो जाए, जल के भस्म हो जाए, जल के भस्म हो जाए। जीसस हालेलुया, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इनकी बीमारियां जाए, बुखार जाए, ट्यूमर जाए, पथरिया बाहर, रसोलिया बाहर, कैंसर बाहर, गिल्टियां बाहर, बड़े बड़े काम होने पाए, बड़े बड़े काम होने पाए। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ बहनों के लिए जिन्हें 10 साल से बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं मिली है, 20 साल से, 10 साल से बच्चे की आशीष नहीं मिली है, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में इन्हें बच्चे की आशीष मिले, बच्चे की आशीष मिले। स्वर्ग से बच्चे की आशीष दीजिए, बच्चे की आशीष दीजिए यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर के जीवनों में गवाहियों को बनाइए। अब मेरे इनके जीवनों में मेरे राजाओं के राजा गवाहियों को बनाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के पर मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उन घरों में जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो लड़ाई झगड़े गंदी स्प्रिट के घरों में काम करते हैं, आज जो लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा को मैं डांटता हूँ। ऐ गंदी आत्मा, ऐ दुष्ट आत्मा, जो इन मसीह भाइयों के जीवन में लड़ाई झगड़े को लेकर आती है, पति पत्नी के बीच में नफरत को फैलाती है, डाको फैलाती है, मैं मारता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं डांटता हूँ, मैं काटता हूँ गंदी आत्माओं के बंधन को, मैं भस्म करता हूँ लड़ाई झगड़े की गंदी स्प्रिट को। मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। अबलबा शबबबलबा शबबबलबा शिखलबा शिबबबलबा शिबलबा शिखलबा शिबलबा। ओ स्वर्गीय रबरबा हंदरबरबा, स्वर्गीय परमेश्वर इनके कामों को सफल कर, बंद मार्ग खोले, बंद दरवाजे खोले। जो गरीबी है, जो तंगी है, जो परेशानी है, गरीबी जाए। टच फायर, टच फायर, टच फायर, टच फायर, गरीबी जाए, परेशानी जाए,
परमेश्वर इनके जीवनों में वो आशीष दीजिए, वो समझ की आत्मा आ जाए, समझ की आत्मा आ जाए, समझ की आत्मा आ जाए यहोवा ज़ेलोत। मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ चंगाई की, ये आजाद हो, इनकी फैमिली आजाद हो, इनका घराना आजाद हो, इनका घराना आजाद हो जाए सुनासिर के नाम में। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ जो मसीह भाई रात में नहीं सो पाते हैं, जैसा कि पिता आपका वचन कहता है नित्य वचन में, जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब यीशु की नींद आएगी। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु की नींद आए। मेरे पिता मुझे विश्वास है अपने प्रार्थना को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांग लेता हूँ, सुनिएगा और कबूल करेगा। आमीन 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 आमीन।